हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एसएससी के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस, आपको पिनेकल की बुक जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कलेक्शन है उसे जरूर सॉल्व करना चाहिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जब तक आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करके सॉल्व नहीं करते हो, पूरी डिटेल में सॉल्व नहीं करते हो, तब तक आप एग्जाम के लायक नहीं बन पाओगे, एग्जाम देने लायक नहीं बन पाओगे। एग्जाम देने लायक तब बन पाओगे जब आप उस तरीके के क्वेश्चंस को देखोगे, सॉल्व करोगे जैसा कि पर्टिकुलर एग्जाम में पूछा जा रहा है। जैसे जैसे हमने इसमें एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन करा दिए हैं प्री मेंस के, जैसे कि एसएससी सीपीओ के क्वेश्चन जो है वो हमने हाल ही में जो हुए हैं प्री मेंस के करा दिए हैं जो इस बुक में दिए गए थे। सीएचएसएल के क्वेश्चन हाल ही में करा दिए गए हैं जो इस बुक में दिए गए थे, उसके एरर के क्वेश्चन 200 करा दिए गए हैं और अब फिल इन द ब्लैंक्स का नंबर है, फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कराया जा रहा है। और इस फिल इन द ब्लैंक्स में ना सिर्फ आप ग्रामर के रूल्स सीखोगे बल्कि आपको फ्रेजल वर्ब भी सीखने को नए नए मिलेंगे और नए नए ग्रामर के रूल्स भी सीखने को मिलेंगे। वर्ड बेस्ड जो है वो ग्रामर के रूल, वर्ड बेस्ड नॉलेज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सभी जो भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एसएससी से रिलेटेड, आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, बहुत हेल्पफुल होगी। ये जान जाओ क्या लिखा है, वर्चुअल वर्ड्स। वर्चुअल वर्ड्स आर रिसेंटली न्यू फेनोमेना। वर्चुअल वर्ड्स जो है वो एक नया फेनोमेना है, इन दैट जिसमें दे डैश पीपुल, वो क्या करते हैं लोगों को टू मीट, मिलने के लिए, एंड सोशली इंटरैक्ट विद अदर्स, और लोगों को सोशली इंटरैक्ट कराते हैं इन ए वैरायटी ऑफ ऑनलाइन एनवायरनमेंट, अलग अलग ऑनलाइन एनवायरनमेंट्स के द्वारा। ठीक है, अलग अलग ऑनलाइन एनवायरनमेंट्स में सब मिलाकर के यह है कि जो वर्चुअल वर्ल्ड है, वर्ड्स आर रिसेंटली न्यू फेनोमिना इन दैट दे, वो क्या करते हैं, फॉरबिड का मतलब मना कर देते हैं, नहीं, ब्रिंग वो लाते हैं, नहीं, वो चुनते हैं, नहीं, वो इनेबल करते हैं लोगों को। इनेबल का मतलब होता है किसी के लिए कुछ करना संभव बनाना। इनेबल की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है, इनेबल अगर वर्ब है तो इसकी एक्चुअल मीनिंग होती है टू मेक इट पॉसिबल फॉर समबडी टू डू समथिंग। लिख लेना इसे, ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से मैं बता रहा हूं, टू मेक इट पॉसिबल फॉर समबडी टू डू समथिंग। इसको और अच्छे तरीके से मैं अगर हिंदी में बताना चाहूं तो लिखो, मैं बताऊंगा, किसी व्यक्ति के लिए कुछ करना संभव बनाना। तो वो संभव बना रहे हैं ताकि लोग जो है वो मीट मिल सके और सोशली इंटरेक्ट हो सके एक दूसरे से। इसके लिए वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो एक नया फिनोमिना है जो रिसेंटली आया है। ठीक है, तो वर्चुअल वर्ड्स आर रिसेंटली न्यू फेनोमिना इन दैट जिसमें दे इनेबल पीपुल, वो लोगों को क्या करते हैं, इनेबल करते हैं। इनेबल का मतलब किसी के लिए कुछ करना संभव बनाना, वो संभव बनाते हैं कि लोग एक दूसरे से मिल सकें, सोशली इंटरेक्ट हो सकें और ऑनलाइन इन्वायरमेंट्स में, अलग अलग ऑनलाइन इन्वायरमेंट्स में। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्या चीज है, फेनामेना आया था तो मैं बता दूं, फेनामेनॉन जो है वो सिंगुलर होता है और फेनामेना प्लूरल होता है। ऐसे ही बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ऐसे ही रेडियस सिंगुलर होता है, रेडियाई प्लूरल होता है। स्लैबस सिंगुलर होता है, स्लैबी जो है वो प्लूरल होता है। एजेंडम सिंगुलर होता है, एजेंडा प्लूरल होता है। मैक्सिमम सिंगुलर होता है और मैक्सिमा प्लूरल होता है। मेमोरेंडम सिंगुलर होता है, मेमोरेंडा प्लूरल होता है। थेसिस सिंगुलर होता है, थेसेस, SIS वाले जो वर्ड हैं जिनके लास्ट में SIS आता है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका SES करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे थेसिस का थेसेस, एनालिसिस का प्लूरल एनालिसिस, हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस, और एक्सिस, एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सेस। तो ये सब ध्यान रखना, ये चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो मैंने इतनी चीजें बता दी आपको, बहुत ज्यादा इसमें कुछ बताने को है नहीं, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। क्या है, द नील इज डैश रिवर ऑफ द वर्ल्ड।
नील कैसा रिवर है पूरे संसार में? पूरे संसार में जितनी भी नदियां हैं उसमें नील जो है वो लॉन्ग है, लॉन्गर है, मोर लॉन्गर है या लॉन्गेस्ट है? संसार में ढेर सारी, 2 से अधिक नदियां हैं, तो 2 से अधिक की तुलना के लिए हम किसका यूज करते हैं? सुपरलेटिव का। लॉन्ग तो यूज करेंगे नहीं, ठीक है, लॉन्गर नहीं होगा क्योंकि नील नदी की किसी और नदी से तुलना नहीं हो रही है। मोर लॉन्गर होगा ही नहीं क्योंकि जब लॉन्ग का लॉन्गर होता है तो मोर लगाने की जरूरत नहीं है। ग्रामर का रूल ये कहता है कि एक साथ कभी भी डबल कंपरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं, तो लॉन्गेस्ट सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने कुछ बताने के लिए सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री रखी है, कंपैरेटिव रखी है, लेकिन मैं और कुछ भी आपको बताऊंगा। वो क्या भाई? आर्टिकल दा का यूज मैं बताने जा रहा हूं। अब आर्टिकल आपको धीरे धीरे आसान लगने लगा होगा। आर्टिकल दा का यूज क्या है कि आर्टिकल दा का यूज नेम ऑफ रिवर्स के पहले करते हैं, नदियों के नाम के पहले हम आर्टिकल दा लगाते हैं। ठीक है, तो नेम ऑफ रिवर्स के पहले हम आर्टिकल दा लगाते हैं, जैसे द गंगा, जैसे कि द गंगा, जैसे कि द यमुना। लिख लिया आपने? इतना लिख लिया तो मैं और बताता हूं। नेम ऑफ फेस्टिवल्स के पहले लगाते हैं, बशर्ते कि फेस्टिवल्स कैसे होने चाहिए, जो नेशनल फेस्टिवल होते हैं, जैसे कि द इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, इनके पहले आर्टिकल द जरूर लगाएंगे। द रिपब्लिक डे, इनके पहले आर्टिकल द जरूर लगाएंगे। लेकिन जो हमारे रिलीजियस फेस्टिवल जैसे कि होली होता है, तो होली के पहले कभी आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे, दिवाली के पहले कभी आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे। ये सब चीजें आप ध्यान रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी आर्टिकल दा का रूल जानना है तो और ध्यान रखो कि ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स के पहले आर्टिकल दा नहीं लगाते, जरूर लगाते हैं। जैसे जैसे सन के पहले आर्टिकल दा जरूर लगाएंगे, द सन। अगर गलत नहीं लिखा है तो गलत है, द सन। ठीक है, द मून, द स्टार, द स्टार, ये भी ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स है। और द अर्थ, जो भी ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स है इसके पहले आर्टिकल द का यूज जरूर होता है। जितने भी रिलीजियस बुक हैं उनके पहले आर्टिकल द जरूर लगाते हैं, जैसे कि द गीता, ठीक है, जैसे कि द बाइबिल, जैसे कि द कुरान, जैसे कि द रामायणा। तो जितने भी रिलीजियस बुक्स हैं उनके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन के पहले आर्टिकल द लगाते हैं, जैसे कि द यूएन, जैसे कि द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। तो आर्टिकल द आपने देख लिया। अब हम देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री और कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर कंपेयर होता है, और कंपेयर जो है वो 2 लोगों में होता है, तो 2 व्यक्तियों के बीच अगर तुलना हो रही है तो कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और 2 से अधिक व्यक्ति हैं और उसमें सबसे अच्छा सबसे बुरा या ऐसा कुछ बताना है, 2 से अधिक व्यक्ति हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज जरूर किया जाता है, जबकि कंपेरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं किया जाता है, कुछ कंडीशन को छोड़ करके। वो कंडीशन क्या है? दा प्लस कंपेरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर कॉमा लगाया जाएगा और फिर लिखा जाएगा दा प्लस कंपेरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर ये स्ट्रक्चर आपको दिख जाए तो कंपेरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा जरूर लगा देना। जैसे लिखा गया, द मोर यू रीड, द मोर यू रीड, द मोर यू गेन। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आप क्या करोगे? नॉलेज पाओगे। तो दा प्लस कंपेरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कॉमा लगाया गया, दा प्लस कंपेरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। द हायर यू गो द कूलर यू फील, ऐसे सब कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो और लग रहा हो कि हाँ एक क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं हम सिर्फ MTS का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे, इसमें हम CGL का भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर लग रहा हो आपको तो वीडियो को लाइक कर देना। इसीलिए कह रहा हूँ कि भले ही MTS सॉल्व हो रहा है, भले ही CGL सॉल्व हो रहा है, भले ही मैं CPO मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, हर वो बंदे हमारी वीडियो को देखे या हर वो व्यक्ति हमारी वीडियो को देखे जिसको SSC का कोई भी एग्जाम देना हो, चाहे CGL देना हो, CPO देना हो, CHSL देना हो, MTS देना हो, स्टेनोग्राफर देना हो। आई डैश
टू मैनी कंट्रीज, मैंने क्या किया बहुत सी कंट्री में, टू फाइंड सोर्स ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, सच्चे हैप्पीनेस, खुशी की तलाश में हमने क्या किया, ट्रेवल किया। ट्रेवल की स्पेलिंग यहां सब जगह गलत लिखी गई थी, ट्रेवल्ड होगा यहां पर, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या बताना है हमें। यहां हमने लिखा है मेनी के बाद देखो आया है प्लूरल काउंटेबल नाउन, है ना, तो देख लेना कि प्लूरल काउंटेबल नाउन किसके किसके बाद आता है। सेवरल के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, वेरियस के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, और न्यूमेरस के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। सेवरल, वेरियस, न्यूमेरस, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, मेनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, दीज, दोज और सर्टेन। ए सर्टेन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जबकि सर्टेन के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है, ठीक है। यहां अब इसके बाद मैं क्या बताऊंगा, मैं ये भी बता दे रहा हूं आपको, यहां पे आया है फाइंड, तो फाइंड जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फाउंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, लेकिन फाउंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, वो कैसे वो भी देख लो। मेरे से पढ़ोगे ना तो मैं हर वो चीज सॉल्व करा दूंगा जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। फाइंड का मतलब पता लगाना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है फाउंड और थर्ड फॉर्म होती है फाउंड, ठीक है। लेकिन एक फाउंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जिसका मतलब होता है बुनियाद डालना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है फाउंडेड, और थर्ड फॉर्म होती है फाउंडेड, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। इसका मतलब क्या होता है, बुनियाद डालना, किसी चीज को स्थापित करना, सॉरी स्थापित करना, जैसे कि इसी से बना हुआ है फाउंडर, ठीक है। ये ध्यान रखो इन सब चीजों को जो कंफ्यूज करने वाले, जैसे कि सी, सी का सेकेंड फॉर्म सा और थर्ड फॉर्म सीन होता है, लेकिन एक सा SAW होता है जिसका मतलब होता है काटना, और इसकी सेकेंड फॉर्म सॉर्ट होती है और थर्ड फॉर्म सॉर्ट होती है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चीजें आपको अगर नहीं मालूम है तो वीडियो हमारी देखो, मालूम चल जाएगा। यूज ऑफ मैनी देख लो, मैनी के बाद आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल होता है, जैसे कि मैनी के बाद कभी बॉय नहीं लगेगा, बॉयज होगा, जबकि मच के बाद आने वाला नाउन जो है वो अनकाउंटेबल होता है, जैसे कि मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा, जैसे कि वर्क, और ये मच वर्क आपसे पूछा जाता है, कभी कभी मेनी वर्क देकर के एरर दे देता है। सम अनकाउंटेबल नाउन, कुछ अनकाउंटेबल नाउन में बता दूं तो देखो, फर्नीचर, फर्नीचर पर बैठ करके आप दे रहे थे एडवाइस और तब तक चली जाती है इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर पर बैठकर आप दे रहे थे एडवाइस, तब तक इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर लोग कुछ गलतियां कर देते हैं, मिसचीफ, गाली वाली देने लगते हैं, गलतियां कर देते हैं, ठीक है। और जब लोगों, जब लाइट चली जाती है तो असल मुद्दे की बात आती है, फिर याद आता है यार मैं तो बेरोजगार हूं, तब इंप्लॉयमेंट की याद आती है, फूड की याद आती है, ब्रेड की याद आती है, ठीक है। जब फिर लाइट आती है तो फिर हम न्यूज खोल के बैठ जाते हैं, न्यूज में देखते हैं कि शहर में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, फिल्ड है, फिल्ड का मतलब गंदगी है, डर्ट है, जिसके कारण हेयर जो है वो डैमेज हो रहा है और जिसके ऊपर रिसर्च चल रही है। तो ये इतने अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मजा आया अनकाउंटेबल, यार जब मेरे से नाउन पढ़ोगे ना तो आपको खुद ही मजा आ जाएगा। मैंने इस स्टोरी के तहत जिस चीजें बताई हैं, ऐसे ऐसे स्टोरी बना करके मैं सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, तो अगर आप नाउन पढ़ोगे और क्विक रिवीजन करोगे तो रिवीजन के साथ साथ आपको सारी चीजें याद भी हो जाएंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं हम, ट्रेवल सोर्स, यहां पर बाई आया होगा तभी हमने ट्रेवल सोर्स लिखा है, सोर्स आया था, अच्छा तो मैं बता दूं, ट्रेवल सोर्स के पहले हम बाई का यूज करते हैं, जैसे कि बाई द ट्रेन नहीं होता है, बाई ट्रेन होता है, बाई द बस नहीं होता है, बाई बस होता है। तो बस और ट्रेन
ये सभी ट्रेवल सोर्सेस के पहले हम बाई का यूज करते हैं, लेकिन बीच में कभी आर्टिकल मत लगाना। जबकि जो टाइम सोर्स होता है उसके पहले हम क्या लगाते हैं, उसके पहले आर्टिकल द या कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव लगा सकते हैं, बाई द वॉच ही होता है। अभी सीएचएसएल का पेपर हुआ 2024 का, उसमें एरर दिया गया था, उसी में दिया गया था, एक एरर में पूछ लिया था बाई माई वॉच, तो ये सही लिखा हुआ है। बाई और वॉच के बीच में कुछ ना कुछ जरूर लगाएंगे, चाहे अपने की मीनिंग वाला वर्ड लगाएं चाहे आर्टिकल लगाएं। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं यार, अभी तो 3 ही 4 क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्या, कितना टाइम हो गया, 15 मिनट हो गए। चलिए कोई बात नहीं, मेरा काम है वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कराना। ही इज ए स्मग एंड वेरी डैश पर्सन, वो कैसा व्यक्ति है हु थिंक्स, जो सोचता है ओनली अबाउट हिमसेल्फ, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो आर्सोनिस्ट होगा क्या भाई? आर्सोनिस्ट का मतलब जानते हो क्या होता है? आग लगाने वाला। आग लगाने वाला दो लोगों के बीच में नहीं, जिस जो जा करके एकदम अपवाद, मतलब कहते नहीं कि सामाजिक संपत्ति में आग लगा देता है कोई, या कहीं जा करके किसी के घर में आग लगा दिया, वो होता है आर्सोनिस्ट। डिफिडेंट होता है कॉन्फिडेंट का अपोजिट। आप कॉन्फिडेंट हो तो आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, बहुत ज्यादा उत्सुकता होगी, लेकिन आप डिफिडेंट हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं। इगोइस्टिक आप जानते हैं, कहते हैं बहुत ईगो है तुम्हारे अंदर, ठीक है, तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो, खुदगर्ज आदमी हो, वो इगोइस्टिक होता है। और हम्बल का मतलब आप लोग जानते हैं, विनम्र होता है, ठीक है। तो आर्सोनिस्ट का मतलब क्या होता है? आग लगाने वाला। डिफिडेंट कॉन्फिडेंट का अपोजिट है। इगोइस्टिक का मतलब क्या होता है? खुदगर्ज या खुद के बारे में सोचने वाला हमेशा। और हम्बल का मतलब होता है विनम्र। गो अबाउट का मतलब क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताओगे, मैंने कई बार आपको बताया है। हाँ, गेट अबाउट का मतलब होता है टू गो डिफरेंट प्लेसेस, कहीं अलग अलग जगह पर टहलने के लिए जाना, ये गेट अबाउट होता है। गो अहेड विद एक प्रकार का इडियम है जिसका मतलब होता है कोई काम करना शुरू करना। गो अहेड विद का मतलब होता है कोई काम करना शुरू करना। गो ऑफ का मतलब होता है कोई चीज चली गई, जैसे लाइट चली गई तो लाइट गोज ऑफ हो जाएगा, चली जाती है, ठीक है, बिजली चली जाती है, तो गो ऑफ का यूज करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? आई नो दैट, मैं जानता हूं कि आई कैन नॉट काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, हमने कई बार अपने वीडियो में बताया है और आज भी बताऊंगा। आई कैन काउंट ऑन माई बेस्ट फ्रेंड, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड पर डिपेंड, मतलब काउंट ऑन करता हूं, टू बी बाई माई साइड थ्रू डैश एंड डैश। थ्रू थिक एंड थिन एक प्रकार का इडियम होता है। थिक एंड थिन का मतलब होता है सभी परिस्थितियों में, चाहे आपके अंदर आपके सुख पड़े और चाहे दुख पड़े, ठीक है। तो थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है? थ्रू थिक एंड थिन का मतलब हर परिस्थिति में, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। काउंट ऑन याद आया तो मैं बताऊंगा आपको, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, बैंक ऑन, काउंट ऑन, हिंज ऑन, HINGE, हिंज ऑन या अपॉन, ये CPO में पूछा गया क्वेश्चन है, हिंज ऑन या अपॉन, ऐसे नहीं बता रहा हूं मैं। इन सब का मतलब होता है किसी के ऊपर निर्भर रहना। डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, बैंक ऑन, काउंट ऑन, लुक टू समबडी, हिंज ऑन। यहां पे दूसरे वाले में लिखा था क्या? साइड, तो साइड से मैं कुछ किसी ना किसी बहाने आपको ग्रामर का रूल जरूर बताऊंगा। एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है के बगल, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा। के अतिरिक्त बिसाइड्स एक प्रकार का प्रीपोजिशन होता है, बिसाइड्स, ठीक है। अच्छा, बिसाइड का मतलब के बगल होता है और बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त होता है, ठीक है। मैं आपके बगल में बैठ गया हूं तो बिसाइड का यूज करेंगे। मेरे पास कार के अतिरिक्त एक क्या नाम है, हेलीकॉप्टर भी है, तो बिसाइड्स होगा, इसके अलावा मेरे पास ये भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। मेकअप वॉच डैश ही हार्डली वोर। मेकअप एक ऐसी चीज थी जिसे वो शायद ही कभी पहनती थी,
आहा, क्या बात है, बिना मेकअप के वो बहुत अच्छी लगती थी, इसका मतलब ये तो हुआ। मेकअप वॉज समथिंग, ये आप ध्यान देना, एक ऐसी चीज है, वॉज समथिंग लिखते हैं जनरली, ठीक है। मेकअप वॉज समथिंग, मेकअप एक ऐसी चीज थी, सी हार्डली वोर, जिसे वो शायद ही कभी पहनती थी, अर्थात वो बिना मेकअप के बहुत अच्छी लगती थी, ठीक है, समझ में आ गया। इतनी चीजें हो गई। हार्डली से मैं बता दूं कि अगर सेंटेंस में हार्डली आया है, स्कार्सली आया है, ठीक है, लेस्ट आया है, अनलेस आया है, या अनटिल आया है, तो ऐसे सेंटेंस में कभी भी नॉट का यूज नहीं किया जाता है। जिस सेंटेंस के साथ ये आएगा उस सेंटेंस में नॉट नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव मीनिंग देते हैं, ध्यान रखना आप। आगे देखते हैं, यहां पर आया था क्या, मेक अप। तो मैं मेक का कुछ फ्रेजल वर्ब बताने जा रहा हूं। क्या मेक ऑफ विद का मतलब होता है, चुरा कर भाग जाना, कोई चीज चुरा कर भाग जाना। अब आप बोलोगे सर रोज तो आप ये सब बताते हो, हम इसलिए बताते हैं ताकि आपको भूले ना, यही सब आ जाएगा आपके एग्जाम में, टिक करके चले आओगे। मेरा काम है बताना, जितनी बार आएगा मैं उतनी बार बताऊंगा, आपका काम है उसे नोट करना, तो मैं जितनी बार बताऊं उतनी बार आप नोट करो, तभी आपको सेम मेरी तरह याद हो जाएगा। मेक आउट का मतलब होता है कोई चीज ध्यान से सुनना, समझना या देखना। जैसे छोटी छोटी चीज मैं यहाँ पे लिख दूं जो आपकी स्क्रीन पर दिखे ही ना, या दिखे तो बहुत ध्यान लगाकर देखो तभी दिखे, तो आप उसे मेक आउट करोगे। एक होता है कंपेंसेट फॉर, का मतलब क्षतिपूर्ति होती है। मेक अप फॉर का मतलब भी सर क्षतिपूर्ति होती है, और मेक अमेंड फॉर का मतलब क्षतिपूर्ति होती है। तो कंपेंसेट ऑफ, कंपेंसेट फॉर, मेकअप फॉर, मेक अमेंड फॉर, इसका मतलब होती है क्षतिपूर्ति। अमेंड आया जब, तो मैं बताऊंगा अमेंड और इमेंड में अंतर, सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सीजीएल मेंस में अमेंड और इमेंड आया था, तो मैं बता दूं आपको, अमेंड का मतलब होता है किसी चीज में संशोधन करना, जैसे कि संविधान में संशोधन हो रहा है तो अमेंडमेंट बिल आता है ना। जबकि इमेंड का मतलब होता है कोई टेक्स्ट में संशोधन करना। टेक्स्ट का मतलब क्या, जैसे मैंने लिख दिया कि बक्सर का युद्ध 1765 में हुआ था, सपोज मैंने गलती से लिख दिया, फिर जब इसे करेक्ट करके सही लिखूंगा 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, तो मैं इस टेक्स्ट को इमेंड करूंगा, मैं इसे इमेंड करके लिखूंगा। तो जब इमेंड करते हैं तो जो चीज लिखी होती है उसी में कोई चीज सुधार करते हैं, जबकि अमेंडमेंट होता है संशोधन, जैसे कि संशोधन बिल आता है, जबकि इमेंड सिर्फ टेक्स्ट में सुधार के लिए यूज होता है, ठीक है, लिख लेना भाई, बहुत काम आता है ये सब। रवि हैज लिटिल इन डैश विद हिज फ्रेंड सेंथिल। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं एक चीज देखूंगा, एक चीज बताऊंगा आपको। हैव समथिंग इन कॉमन विद समबडी, इसका मतलब होता है किसी के बीच में सेम इंटरेस्ट होना। हैव समथिंग इन कॉमन विद समबडी, जैसे यहां लिखा हुआ हैज इन कॉमन विद हिज फ्रेंड, ठीक है, मतलब उसके इंटरेस्ट सेम थे, तो इन कॉमन विद होता है। क्या लिखना आप, सब 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 मिलाकर के आप लिख लो, इन कॉमन विद का मतलब सेम इंटरेस्ट का होना, ठीक है, और यहां हैज या हैव ही लगता है इसके पहले, ये भी ध्यान रखना। कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा। एक चीज, एक इडियम बनता है इससे, बोन ऑफ कंटेंशन, सब चीज बताऊंगा भाई मैं, झगड़े की जड़ होना बोन ऑफ कंटेंशन होता है। आगे क्या होगा इसमें देखते हैं हम। फॉर्मल नॉर्मल आप जानते हैं, फॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, इसमें कुछ बताना नहीं है, और कुछ काफी चीजें मैं बता रहा हूं, एक क्वेश्चन में कम से कम 3-4 रूल बता दे रहा हूं। हर डेडिकेशन, उसका जो डेडिकेशन है टू हर वर्क, उसके काम में, वॉज डैश वॉट एनीवन हैड एक्सपेक्टेड, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन, आपने पढ़ा होगा, मतलब आशा से परे, जितना आपने एक्सपेक्ट किया से उससे काफी ज्यादा अच्छा, उससे काफी ज्यादा अलग, ठीक है, तो बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन होता है, तो बियॉन्ड एनी वन हैड एक्सपेक्टेड होगा।
ठीक है, ओवर नहीं होगा, बिसाइड नहीं होगा। हमने बिसाइड का मतलब बताया है, बिसाइड का मतलब के बगल होता है, और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है के अतिरिक्त, बिसाइड। ठीक है, डेडिकेट आया था तो मैं आपको प्रीपोजिशन बता देता हूं, डेडिकेट के साथ टू लगता है, डिवोट के साथ टू लगता है, इन दोनों का मतलब होता है किसी चीज के प्रति डेडिकेट होना। अगर कोई बिल्डिंग जो है वो किसी चीज के प्रति डेडिकेटेड होती है, डिवोटेड नहीं होती है, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। कोई बिल्डिंग जो है वो किसी के लिए बनाई गई है तो उसके लिए डेडिकेटेड होती है, डिवोटेड नहीं होती है। नेक्स्ट टू, नियर टू, क्लोज टू, एडजेसेंट टू, इन चारों का मतलब होता है के बगल। हैबिचुएटेड टू, एडिक्टेड टू, इसका मतलब होता है क्या, इन सबके साथ टू प्रीपोजिशन लग रहा है, देखो फिक्स, इसका मतलब होता है किस चीज का आदि होना। ठीक है, इसी में आया था आपका ई एक्स पी ई सी टी, तो मैं बताऊंगा आपको, आप अगर एग्जाम सीजीएससी एचएसएल का दिए होगे या पेपर देखे होगे तो यही तीनों ऑप्शन आया था, जो मैं रोज रट के बताता हूं आपको। एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय, के सिवाय, और ये एक प्रकार का प्रीपोजिशन होता है। एक्सपेक्ट का मतलब आशा करना होता है, और ये एक प्रकार की वर्ब होती है, और एक्सेप्ट आप लोग जानते हैं किस चीज को एक्सेप्ट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 क्या है। द ओल्ड मैन डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी एमंग हिज 10 ग्रैंड चिल्ड्रन इक्वली। ओल्ड मैन ने डिस्ट्रीब्यूट किया अपनी प्रॉपर्टी, एमंग क्यों हमने बोला, बेटवीन क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटवीन का यूज जो है वो दो लोगों के लिए किया जाता है, जबकि एमंग का यूज दो से अधिक के लिए किया जाता है। अगर वो अपने दो बेटों के बीच में प्रॉपर्टी बांटता तो हम बेटवीन लगाते, लेकिन उसने अपने 10 ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच में प्रॉपर्टी बांटी है तो हम एमंग लगाएंगे। एमंग और बेटवीन में बस इतना सा अंतर है कि बेटवीन का यूज जो है वो दो लोगों के बीच किया जाता है, जबकि एमंग का यूज दो से अधिक लोगों के बीच किया जाता है, बस इतना सा ही अंतर है। क्वेश्चन नंबर 68 हो गया हो तो मैं 69 पर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 69 हम कल देखेंगे, ठीक है ना। जितनी चीजें बताई गई हैं आपको समझ में आनी चाहिए, और आई होप आपको समझ में आई भी है। हर वर्क आया था तो यहां मैं एक चीज बता देता हूं, वर्क एक प्रकार का अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन वर्क का वर्क्स भी होता है, हम रोज बता रहे हैं आपको। एक वर्क्स का मतलब होता है क्या, रचनाएं, जैसे सॉक्रेटिस की रचनाएं, तो सॉक्रेटिस वर्क नहीं होगा। वर्क्स का मतलब एक होता है उद्योग, जैसे आयरन एंड स्टील वर्क्स, मतलब लौह एवं इस्पात उद्योग, जबकि जब वर्क का मतलब काम होता है तो वो अनकाउंटेबल होता है। वर्क के पहले कभी भी मेनी का यूज नहीं करते हैं, मच का यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि वर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है काम के अर्थ में, चाहे वर्क हो या होमवर्क हो, ध्यान रखना इस बात को। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।